नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश और आप देख रहे हैं लाइव 10 न्यूज। और इस वक्त मैं मौजूद हूं द्रौदा प्रखंड के करसौत पंचायत के करसौत गांव में ही, जो एक काली मंदिर का स्थान है, जहां पर यहां पे नव निर्वाचित विधायक गणजीत सिंह और ब्यास सिंह यहां पे पहुंचे हैं। और यहां पे लगातार देखिए कैसे उनका जो कार्यकर्ता है वो समर्थन कर रहे हैं, उनके उत्साह का एक जश्न मना रहे हैं। और देखिए मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं विधायक, इनसे हम बात करने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ तैयारियाँ चल रही है और इनसे बात करके जानेंगे क्या तैयारियाँ चल रही है। सबसे पहले विधायक जी की आपको पहले बहुत बहुत बधाई। चलिए, विधानसभा से इतनी भारी मोहब्बत, सबसे पहले तो आपको और आपके चैनल के माध्यम से दरौंदा विधानसभा की सम्मानित जनता को हम आभार व्यक्त करते हैं, धन्यवाद देते हैं जो मेरे ऊपर विश्वास किए वो लोग, और अपना आशीर्वाद, सहयोग और शुभकामना और अपना मत दे के पुनः फिर एक बार हमको यहाँ के प्रतिनिधि चुने। एक सवाल अहम है कि आप जीत को लेकर कितने आश्वस्त थे? देखिए, दरौंदा विधानसभा में जीत और हार की बात नहीं थी, यहाँ की जो जनता थी, जो यहाँ के जो अभिभावक लोग, जो लोग यहाँ के वोटर लोग थे, सपोर्टर लोग थे, सब लोग पहले से ही मन बना चुके थे कि यहाँ दरौंदा में नेता नहीं, एक बेटा, एक भाई के रूप में, एक दोस्त के रूप में जो हम लोग प्रतिनिधि चुने हैं, एक समाज के अगुवा के रूप में वही रहेगा। एक सवाल यहाँ पे और उठ रहा है, जिस तरह से जनता से हमने बात किया, जनता कह रही है कि दो महारथी थे, उन दोनों की रणनीति जो बनी हुई थी राजनीति को लेकर, उसको जनता ने नकार दिया और ब्यास सिंह को ही भारी मोहम्मद जीता था, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, कोई महारथी नहीं होता है, कोई वीर नहीं होता है, कोई बहादुर नहीं होता है, वो तो जनता बनाती है महारथी, जनता बहादुर बनाती है, जनता जिसको स्वीकारेगी वो बहादुर है, जनता जिसको नकार देगी, यहाँ बहादुरी की कहाँ बात है, यहाँ कोई कुश्ती है, दंगल थोड़े था। हाँ, एक बात है, विचार की लड़ाई थी दरौंदा विधानसभा में, विचार और संस्कार की लड़ाई थी, तो लोग चुने अपना कि कौन मेरे योग है, कौन काम लायक है, कौन संस्कारी है, कौन विचार लायक है, कौन दिन भर क्या करता है, सब लोग देखते हैं, जानते हैं, जनता से कुछ छुपता नहीं है, जनता सब जानती है। और जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? नवनिर्वाचित फिर से विधायक बने हैं, काफ़ी मात्रा में लोगों ने आपको अपार समर्थन दिया है, प्यार दिया है, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता जो हमको अपना प्यार, आशीर्वाद, जो शुभकामना, जो अपना मत दे के पुनः एक बार हमको यहाँ दरौंदा विधानसभा की सम्मानित जनता अपना प्रतिनिधि चुनी है, उसके लिए मैं सदा ही आभारी हूँ, हृदय से धन्यवाद करता हूँ, उनका मैं स्वागत करता हूँ। तो देखिए, ये दरौंदा विधानसभा से नव निर्वाचित विधायक थे गणजीत सिंह ब्यास सिंह, जो 8 महीने कार्यकाल में इतना अच्छा काम किए कि जनता इनको फिर से एक बार दरौंदा विधानसभा से प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनी है। और ये दरौंदा प्रखंड के करसौत गांव में आए हुए हैं, जहाँ पे एक पूजा का विसर्जन था, जिसमें वो लगातार देखे समर्थन देख सकते हैं पीछे किस तरह से भीड़ हुई है, और इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जनता किस तरह से अपार बहुमत और समर्थन के साथ कल दिखा दी है कि एक बार फिर से दरौंदा से ब्यास सिंह जी को विजयी बना दिया गया है। और लगातार उनकी तैयारियाँ भी और आगे क्या प्राथमिकताएं रहेंगी ये भी देखना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। फिलहाल हर एक पहलू पे मेरा ध्यान रहेगा कि किस तरह यहाँ के विकासशील कार्यों पर ये लगातार प्रयासरत रह रहे। कैमरा पर्सन रितेश के साथ ब्रजेश तिवारी, दरौंदा। इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्केट में धूम मचाने आ गया है आपके शहर सिवान में आरवी लाइट हाउस, जहां पर आपको मिलेगी हर प्रकार की नंबर 1 ब्रांडेड आइटम, जिसमें झूमर, वॉल लैंप, बेड लैंप, गेट लैंप, झालर बत्ती, मॉडुलर स्विच, सरफेस लाइट के साथ साथ अन्य सभी प्रकार की फैंसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स सस्ते और उचित दामों पर उपलब्ध हैं। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए आरबी लाइट हाउस बड़ी मस्जिद के पीछे, कागजी मोहल्ला रोड सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 7091318455।